वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद तरन्नुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन चंगेजी, वो भी अपने तरीके से। तो यहाँ पर हमने आधा किलो चिकन ले लिया है, उसे अच्छे से वॉश करके उसका पानी ड्रेन आउट कर दिया और इसके हमने लेग पीस में इस तरीके से कट लगा लिए हैं ताकि मसाला जो है अंदर तक चला जाए। तो हम चिकन चंगेजी बनाने के लिए पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक टीस्पून सॉल्ट ले लिया है, एक टीस्पून मिर्ची पाउडर और हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर और हाफ लेमन का जूस है और ये एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये दो टेबलस्पून भर के ये योगर्ट है। ये डाल के हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, हाथ से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो जाएं। तो देखिए चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसे रख देंगे अलग। अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो देखिए चिकन को मैरिनेट करने के बाद हमने यहाँ पर गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हमने वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है एक टेबल स्पून, क्योंकि हमें इसमें प्याज को फ्राई करना है। तो हमने यहाँ पर ये दो प्याजों को रफली चॉप कर लिया था। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है तो इसमें हम ये प्याज डाल देंगे और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। तो देखिए मीडियम फ्लेम पे प्याज को भूनते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं, ये लाइट पिंकिश कलर की हो गई है। अब हमने यहाँ पर 15-20 के करीब काजू ले लिए थे, ये डाल देंगे, इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए। 2 मिनट तक हमने काजुओं को भी फ्राई कर लिया है। अब हमारे पास 2 टमाटर हैं, इन्हें भी हमने रफली चॉप कर लिया, अब ये भी हम डाल लेंगे, इन्हें भी कुछ सेकंड हम फ्राई करेंगे। आप चाहें तो टमाटरों को अलग से भी उसकी प्यूरी बना सकते हैं, लेकिन हमने ये साथ में ही डाल दिए, टमाटर अच्छे से गल भी जाएंगे और इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा, इससे इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। तो देखिए टमाटरों को भी दो मिनट तक हमने भून लिया है, इन्हें अलग रख देंगे ठंडा होने के लिए और फिर ठंडा होने के बाद इसकी हम प्यूरी बनाएंगे। अब इसमें हम गैस पे एक फ्राई पैन चढ़ा देंगे, अब फिर से हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमने जो अपना चिकन मैरिनेट किया था उसमें से एक एक बोटी उठा के और उसका मसाला झाड़ के हम इसमें सारे अरेंज कर देंगे और जो मसाला बचेगा हम वो ग्रेवी में यूज कर लेंगे। इस तरीके से सारी बोटियों को और कम से कम 2 मिनट तक हम एक तरफ इन्हें फ्राई करेंगे, फिर हम 2 मिनट के बाद दूसरी तरफ फ्लिप करेंगे। देखिए 2 मिनट हो गए हैं एक साइड पे इसे फ्राई होते हुए, अब हम दूसरी तरफ फ्लिप कर देंगे। अलट पलट के चलाते हुए इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसमें हमने कोई पानी नहीं डाला है, ये दही और चिकन ने अपना पानी छोड़ा है, इस सारे पानी को ड्राई कर लेंगे हम और कम से कम इसे 50% हम गला लेंगे, बाकी का हम इसे ग्रेवी में गलाएंगे। अब हम इसे ढक देंगे, ये थोड़ा गल जाए। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है, अब हम इसे हाई फ्लेम पे इसे सारे इसके पानी को हम ड्राई कर लेंगे। तो देखिए हमने पानी सारा ड्राई कर लिया है, चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसमें पानी सारा ख़त्म हो गया है और सिर्फ ऑयल बचा है। अब हम इसे अलग रख देंगे और इसमें फिर से एक कढ़ाई चढ़ा देंगे
चूल्हे पे। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें फिर से हमने एक सर्विंग स्पून भर के हमने ऑयल डाल दिया है और हम एक टीस्पून हम इसमें मक्खन डाल देंगे, इससे टेस्ट इसका और इनहेंस हो जाएगा। आप चाहें तो ना डालें, अगर हो तो डालें। देखिए चिकन कोरमा वगैरह तो हम लोग चिकन करी वगैरह तो खाते ही रहते हैं, हमेशा कुछ हमेशा अलग कुछ ट्राई करना चाहिए, इससे घर वालों को भी स्पेशल फील होता है और घर वाले भी खुश हो जाते हैं और अलग अलग तरीके की चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए, इससे अपने आप को भी खुशी मिलती है और नई चीज़ें भी ट्राई हो जाती हैं। तो देखिए ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 मिनट तक ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और फिर हमने जो ये टमाटर प्याज का पेस्ट बनाया था ये डाल देंगे और जार को धो के भी हम इसका सारा मसाला जो बचा हुआ है वो भी डाल देंगे, हम वेस्ट कुछ नहीं करेंगे। हमने चिकन मैरिनेट किया था उसका मसाला है वो भी हम इसी में डाल देंगे। अब सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि प्याज और टमाटर जो बाकी का कच्चापन है इसमें, वैसे तो हमने इन्हें फ्राई करके पीसा है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत और कच्चापन होगा वो भी दूर हो जाएगा। अब हम इसे 2 मिनट तक भून लेंगे तब बाकी के पाउडर मसाले डालेंगे इसमें। तो देखिए ये मसाले को भूनते हुए हमें हाई फ्लेम पे 5 मिनट हो गए हैं और ये भुन गया है, टमाटर प्याज का कच्चापन दूर हो गया है। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। तो ये 1/2 टीस्पून रेड मिर्ची पाउडर है, जीरे का पाउडर है 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें भी हम थोड़ी देर भूनेंगे ताकि इनका भी कच्चापन दूर हो जाए। देखिए अभी तक हमने ग्रेवी में कोई पानी नहीं डाला है, ये अभी जिस जो हमने उसमें मसाला पीसा था जो प्याज और टमाटर का, उसमें भी हमने पानी नहीं डाला था, हमने दूध डाल के पीसा था। चाहें तो पानी डालकर भी पीस सकते हैं लेकिन दूध डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। मसाले को भूनते हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से भुन गया है, इसका सारा पानी ड्राई हो गया और तेल भी सेपरेट हो गया है इसका। अब हम इसमें ये हमने जो चिकन फ्राई करा था वो भी डाल देंगे, ये हम इसी तरीके से ऐसे ही पलट देंगे, इसमें जो कि जो थोड़ा बहुत इसमें ऑयल है वो भी डाल देंगे इसी में। देखिए 50% हमने चिकन को फ्राई करते टाइम गला लिया था, अब हम इसमें 50% हम ग्रेवी में डाल के गलाएंगे। अब हम इसमें ये 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी है, हमने इसे तवे पे डाल के रोस्ट कर लिया है, ये डाल देंगे। और ये 1 टीस्पून गरम मसाला है ये डाल देंगे। अभी तक हमने चिकन में ग्रेवी में हमने कोई सॉल्ट नहीं डाला है क्योंकि हमने मैरिनेट करते टाइम चिकन में सॉल्ट डाला था काफी। तो अब हम इसमें 1/2 टीस्पून ग्रेवी में सॉल्ट और डालेंगे, 1 कप दूध डालेंगे इसकी रिचनेस को बढ़ाने के लिए। गैस की फ्लेम को लो करके हम इसे ढक के 5 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं खोल के, देखिए कितना अच्छा कलर और टेक्सचर आया है। अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं, है थिन या थिक, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती है, पतली नहीं होती है। तो इसे अभी हम थोड़ा इसमें थोड़ा पानी है इसे हम और ड्राई करेंगे थोड़ा हाई फ्लेम करके, और यहाँ पर
ये हमारे पास एक टेबल स्पून दूध के ऊपर की जमी हुई मलाई है वो डाल रही हूँ, और इसे डाल के अच्छे से हम मिक्स करके इसे भून लेंगे थोड़ी देर मलाई डाल के। अब मलाई डाल के हम इसे 2 मिनट ढक के और पकाएंगे ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। देखिए मलाई डाल के हमने इसे फिर से ढक के 2 मिनट पका लिया था। अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, इसी तरीके की हमें चाहिए। अब यहाँ पर हमने 6-7 हरी मिर्चों को बीच से स्लिट कर लिया था, और ये थोड़ा सा हरा धनिया एक मुट्ठी, अब ये हम डाल देंगे और इन्हें डाल के मिक्स कर देंगे। इससे धनियों से इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा और मिर्चों से। देखिए इसका कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है और इसकी कितनी स्मूथ ग्रेवी है, और ये देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसका फाइनल लुक हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है चिकन चंगेजी, वो भी मेरे स्टाइल में। इसे आप अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिए, और इसे आप पराठे के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, जिसके साथ चाहें सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।